Let's have the next contestant. सबसे पहले एक बारी वो दोबारा किक फ्लिप करके दिखा दो. मैंने बहुत लड़कों को रोडीज पे आकर सबसे पहले करते हुए, बट जस्ट डू इट. मेरे को तो काफी अच्छी अच्छी चीजें ऑलरेडी दिख गई हैं. आई लाइक इट. थैंक यू सर. बाकी नाउ एक इंट्रोडक्शन हो जाए. मेरा नाम है जुइली वैद्य. सब अभी प्रोफेशनली एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में. अभी 4-5 सालों से प्रभु देवा सर जो है हमारे, उनको असिस्ट कर रही हूँ. जब आप डांस सिखाते हैं, आप किसी को असिस्ट करते हैं, ऐसा हुआ कि कभी आपके सीनियर ने आपसे कभी कोई बदतमीजी की हो, आपको लगा कि यार ये मुझसे बड़ा है, इसने उसका फ़ायदा उठाया अपनी सीट का? साइकिलिंग करके जब आप दोनों कंफर्टेबल है, तमिल में वो बात करते हैं मोस्टली, तो ऐसे होता है जब हम साउथ फिल्म्स में काम करते हैं तो सारे साउथ इंडियंस ही होते हैं, तो वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते अलग से कि क्या शॉट है वगैरह वगैरह. पर अभी ना सर 4-5 साल हो गए तो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं. बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत फोकस होते, तो बहुत चिल्ला देते बहुत, तो तभी थोड़ा बुरा लगता है सर. पर अभी आदत हो गई सर, उनको क्या चाहिए वो मुझे पता है. तो वो तो वैसा लोग है ना कि स्कूल की टीचर अगर नहीं पढ़ोगे तो डांटेंगे सर, पर वो बहुत बुरी तरह चिल्ला देते. ओके, रोडीज रेवोल्यूशन, what do you think is going to be your contribution to the word revolution as of today? Pehle aapko kya lagta hai ki problems kya kya hai hamare desh mein ya world mein, problems hai ki nahi hai? Sab bahut problems hai. Kya kya problems hai aur aapko usme se sabse zyada problem kis cheez se hai? Reality show sir, reality show se chalu karna chahungi. तो मैं एक रियलिटी शो में एज अ कोरियोग्राफर भी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे सारे इंटरनल चीज़ें पता है कि कैसे होता है ये ऑडिशन प्रोसेस, कैसे चलता है. तो सर जब ये ऑडिशन प्रोसेस से मैं जा रही थी ना, तब तो मैंने देखा सर कि बहुत सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट से ज़्यादा डिजर्विंग, उनको कंसिडर ना करते हुए हम उनको कंसिडर कर रहे थे ज़्यादा जिनकी बैक स्टोरी बहुत स्ट्रांग है. तो सर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, और मैंने सर उसके बारे में बोलना भी चाहा, बोला भी, पर कंसिडर नहीं किया गया. तो सर मुझे कहीं ना कहीं ना ये बदलना है सर. बदलना है, ठीक है, कैसे बदलोगी? दैट्स व्हाट सर. यस. तो जो लोग आते ना सर छोटे सिटीज से, या जो थोड़े से फाइनेंशियली नहीं होते स्ट्रांग, उनके लिए ना सर एक अलग शो बनाना चाहिए अलग फॉर्मेट के साथ. कौन बनाएगा? हाँ सर, कौन बनाएगा? सर अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ कि मैं कर पाऊँ ये सारी चीज़ें, अभी सर आई एम नॉट दैट केपेबल इनफ टू टेक दैट स्टेप. तो आपने अभी तक किया क्यों नहीं, और YouTube पे क्यों नहीं किया? सर अभी तक मैं YouTube पे उतना एक्टिव हूँ नहीं सर. मेरा इसको कहते हैं लिप सर्विस. यू सेड विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन बट यू आर नेवर गोना डू इट. द थिंग इज दैट दैट्स योर ओपिनियन.
You have to leave the judgment basis on people who are making successful shows. They are not going to jeopardize their show if they think that that contestant is not going to fit in. I think you're not bringing about a revolution. You're playing a little bit of the victim card here, which is not okay. जो ये बातें हो रही थी यहाँ पे मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था. It is also not as easy as you made it sound कि आपके पास फोन है ना, because आप किसी बड़े शो को लेजिट तभी मानते हो या किसी को देख के इंस्पायर तभी होते हो जब वो रोडीज जैसे बड़े शो पे आके कुछ कर जाता है. When she is also at the stage जहाँ पे उसके साथ के बंदे भी वही कर रहे हैं, सेम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और ये सबको बोलेगी कि मैं अपने सोशल मीडिया पे एक डांस कॉम्पिटिशन रखना चाहता हूँ और तुम जो मेरे साथ के हो तुम आके उसमें कम्पीट करो क्योंकि तुम डिजर्व करते हो. वो कहेंगे हम तेरे पास क्यों आए, तू हमारे पास आ, हमारे तुझसे ज्यादा फॉलोअर है. वहां तक उन्होंने सोचा, अगर ये कहती कि I've come on the show to advance my career because man, the visibility I'll get from roadies, भाई मेरी बात पता क्या, उसको इसने बाकी उधर आकर ये भी नहीं बोला ना कि हाँ मुझे ऐसा करना जिसको लोग लगे ओ यार सच में तुम करना चाहते हो. उसने स्ट्रेट बात करी है कि पहले मुझे यहाँ चेंज करना है जहाँ पर मैं अभी काम करती हूँ, तो मुझे वो बात उसकी थोड़ी सी लगी. बस इस पूरी कॉन्वर्सेशन में उससे यही गलती हुई कि डिजर्विंग का जो वो है ना डेफिनेशन वो आप नहीं बना सकते. मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वो लोग डिजर्विंग नहीं है. मैम मैं इस शो के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकती कि ये नॉर्मल डांस रियलिटी शोज या सिंगिंग रियलिटी शोज एक पर्टिकुलर टैलेंट को फोकस करते हैं, उससे अलग है. ये एक पर्सनालिटी और पूरा ओवरऑल शोकेस करता है, तो मैं इसके बारे में मैम नहीं बोल सकती कि कौन बंदा अंदर जाके क्या कर जाए. नाउ ये बातें भूल जाओ, 30 सेकंड्स, ठीक है? आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि आप में वो क्या चीज है जो अभी तक सिर्फ ना देखी है ना समझी है ना सुनी है, और अगर आप वो करोगे या बोलोगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है बढ़ जाएगा. रेडी 3, 2, 1 गो. सर मैं बोलना चाहूंगी कि मैं एक Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपने क्यों लाइट जलाई? बहुत सिंपल सा रीजन है, I was just impressed with her. रफ्तार, एक कोरियोग्राफर का असिस्टेंट होता है ना, उसका सबसे मेन काम होता है कि पूरे डांसर्स को जो उनके लिए वो एक्ट कर रहे हैं उनको साथ रखना. सो आई नो शी कैन कीप अ ट्यून टुगेदर. कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू रोडीज रेवोल्यूशन. एक स्टेप करीब आ गए हो आप टू द जर्नी. कलिंग राउंड में मिलते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अब आते हैं असली मुद्दे पे. ओपो F15. प्रिंस ने मैसेज किया था आते ही जैसे वो डांस कर रही थी. कांग्रेचुलेशंस प्रिंस. लेट्स हैव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट संजय नेगी. 23 साल की उम्र के I'll tell you about my, yes, okay? This is experimental. This is a dungri, which is my mom's. Achha. And this is a shirt, which is my dad's, jisko maine ulta karke upside down pehna hai. So yeah, just like that. Dikhaiye, turn around. I want to see the upside down. That's a reverse shirt. Yeah, it's a shirt.
Which is wearing upside down. That is so cool. It is really that is so cool. Thank you. Stylist. Okay. Nice. मैं professionally एक engineer हूँ और stylist हूँ, model हूँ और food blogger हूँ. संजय आप कहाँ पे रहते हैं? Nabi, so that is Navi Mumbai. Nabi. That's my hood. Nabi. Nabi. अगर आप एक जज होते स्टाइल क्वेश्चन पे आपको हम सबको 10 में से नंबर देने हैं. वी विल ऑल स्टैंड अप लाइक दिस. एक बार आपके so सामने आएंगे ये करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ. बताओ कि 10 में से किसको कितने नंबर मिलेंगे और क्यों? प्रिंस, आई रियली लाइक इट, बट वो शू का कलर इज नॉट एक्चुअली गोइंग विद द आउटफिट, सो आई रेट हिम लाइक 6 out of 10. रफ्तार आई लाइक मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है. एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्यू, सो आई गिव हिम 9. एंड एक क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? यार सब अच्छा है पर रफ्तार जिसके ऊपर कपड़े वो ठीक नहीं लग रहा. 9 is high bro. हाँ, I know. 9 is very high. Yeah. Ma'am again 7. I like, but I like her on the journey. She dresses up really good, yeah. आज की बात कर रहे हैं. So that's the reason. As if I compare, then 7 today. Him again 6. It's very normal, casual, comfortable, not standing out of the queue. So I like the rings though. So one is there, otherwise. So 6. But 6 is as much as Prince. Yeah. It's actually 5. I get 1 for the rings. For the rings. It can't be same na. So 6.5 de do inme se ek ko. Theek hai, 6. Ya 5.5 kar do inme se ek ka. 6.5. Your 7.5. Aur pata nahi hamari charon ki stylisto ki ladai karwa di. Ab ye dekho. Neha, aap kya bol rahe hain inko 10 mein se aap style mein kitne denge? Aur kyun? If I had to dissect this, I think individually pieces bahut acche hain. Couple of problems. Stand with your hands on the side. Extra, like Coco Chanel says, yeah. After getting fully dressed, take off the last accessory you put on. Yeah. So whatever you put on right at the end, you should take off. But yeah. What if those were his pants? Oh, then mask because this, like yeah, and now you can cover your points. बताइए ना points. Points would be 6.5. Nice. ये बताइए कि आप रोडीज पे क्यों आना चाहते हो? सो मैं रोडीज में इसलिए आना चाहता हूँ, मुझे ना लेबल नहीं अच्छे लगते. क्या ठप्पे लगते हैं आप? जैसे कि बहुत गंदी तरीके से मुझे कुछ भी बोल दिया जाता है, एक छक्का बोल देते हैं. ओके. हिजरा बोल देते हैं, तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे एक ऐसा टैग दे दे कि यू नो यू आर दिस और यू आर दैट. नो आई डोंट लाइक इट, आई एम बियॉन्ड लेबल. सो या I want to know ki what was it like breaking it to your parents? For my parents today also they told me ki don't speak about this because they don't want ki society unhe judge kare. I want ki my parents should be proud of me what I am and they should love me the way I am. I don't want okay, ki so judge you say kare. What I am aap bol rahe ho, if you have to describe what you are, कैसे describe करोगे? I'm flamboyant, feminine, effeminate. I am someone, okay, you can call me sass king, in short. So like, you know, very interesting personality. So I want them कि they should love me जैसा मैं हूँ. तो आप अपने माँबाप के साथ रहते हैं? हाँ. Do you bring boys home? No, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. I'm still exploring कि क्या करना है. I think I'm very young to do that. नहीं पर आपके कोई partners? Partners भी नहीं है. तो आप virgin हैं? हाँ हाँ. Virgin. Never explored that side because. So you've never explored your sexual side. No, I don't get attracted easily. I'm probably sapiosexual or maybe asexual. I don't know because
things had happened ki meko kabhi aisa laga nahi ki I should get attracted. I focus myself into my things. Like, you know, I'll come back to the zone where I have to like work. Matlab, you know, do something which will in the form of art. Meko wo sab abhi tak kiya hi nahi. So aap apni apne mom dad ko bata kar rahe ho ki aap roadies mein ja rahe ho abhi. Haan bataya tha, but you know, bahut danga mach gaya tha ghar pe. Kyun, kya bola unhone? Ye mat bolna, wo mat bolna, aisa mat bolna. Bachpan mein jo chidate the. Kaun chidaya karta tha aapko? Sabhi, matlab bachpan se bolte hi rehte the. I think it's really important to shine a spotlight on this. We don't talk about bullying. Yeah. Where girls bully girls and boys bully boys. It's not cool, guys. Whoever's watching this, it is not cool at all to tease or bully people who are not like you. People are different and they have a right to be different. Yes, and it's, you're absolutely right, Nikhil. And because you're different from others, it doesn't mean you're wrong. When you're doing this, you're not hurting or harming anyone. Good for you, man. Really good for you. Okay. So I just want to know what would you do if you were to showcase your talent? Do you know how to dance? Let's have a nice fashion walk or a ramp walk kind of a situation. Bro, तू लड़कियों को भी insecure कर देता ना इन पार्टी. हाँ यार बहुत. मजा आ जाता है. High five. सबसे पहले कुछ भी करने से पहले घंटी बजा दे. क्या घंटी बजा दे? पहले किया है कभी? लिफ्ट करेंगे. आई विल लिफ्ट समवन. प्रिंस को उठाएंगे आप? हाँ. Leaders, you have 10 seconds and your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow! क्या हुआ निखिल, आपने नहीं जलाई बत्ती? रणविजय, I think Sanjay is a great guy. मगर मुझे नहीं लगता कि जो रोडीज की जो जर्नी होती है और जितना भी मैंने देखा है बाकी के रोडीज को, I don't know whether you'll be able to hack it with them. I don't know whether you've ever been in a competitive fight in your life. Have you? My life journey was like that. There's a lot of pain behind that smile. Yes. It's not easy, but we are with you, man. We love you. देख लेंगे यार roadies में भी. हाँ. और अभी time है. अरे आजा यहाँ पर ये अपना dog. I would love to be proved wrong, Sanjay. Yeah, he would love to. I really would love to be proved wrong. हाँ, watch me out.
Welcome to Roadies Revolution. Thank you so much. Thanks for coming. Koi message nahi aaya. Can we have the next two contestants, please? Hi, sir. Two contestants. Hi. Aap dono ek-ek karke introduction dijiye. Tell us about you guys. Both of you are wearing sneakers. Bade hi matlab very good choice of sneakers. Both personalities are different and I like it. Yes. Apne bare mein bataiye hame. We'll start with you. Sir, munda amka goikar ane ami asa full power. सर मेरा नाम अमर है और मैं गोवा से हूँ. मैं एक डांसर और एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ. डांसर और फैशन इन्फ्लुएंसर. ओके. हाय सर. हाय मैम. माय नेम इज सलमान. मैं एक डांसर हूँ, एक्टर हूँ और एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ. बैंगलोर से हूँ. कैन वी हैव अ डांस फेस ऑफ? अ डांस ऑफ. सॉरी, आई वांट टू अगेन. रफ्तार कब हुआ ये? रफ्तार एक बारी आप भी आइए और सर प्लीज. अच्छा मेरे को ये बोलना है, पहले एज अ आर्टिस्ट मैं बोलना चाहता हूँ. व्हाट ही डिड वाज डांसिंग. व्हाट ही डिड वाज एन एक्ट. या बिल्कुल उस अगर आप लोग रोडीज पे सिलेक्ट हो जाते हो इस बार, यू गेट अ प्लेटफॉर्म. आप पहले से ही इन्फ्लुएंसर्स हो, डांसर्स हो, आप इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? व्हाट वुड यू वांट टू चेंज एंड हाउ? स्पीकिंग अबाउट डांस इन गोवा, लाइक मैं ऑडिशन में खड़ा था, लाइक बहुत लोग ने मेरे से पूछा, ब्रो तू कहाँ का है? गोवा. सो फर्स्ट रिएक्शन, ब्रो तू कहाँ का है? गोवा. फर्स्ट रिएक्शन, ब्रो तू कहाँ का है? गोवा. थर्ड रिएक्शन वॉज टू डेंजरस. सो इट्स नॉट, गोवा इज जस्ट नॉट नोन फॉर ऑल दिस. गोवा इज ऑल्सो नोन फॉर आर्ट. सो हमारे इधर डांस रैप हो रहा है सर, पर उतना लाइक मुंबई में स्पॉन्सर्स आते हैं, सपोर्ट होता है अंडरग्राउंड कल्चर को, पर हमारे वहाँ इतना सपोर्ट नहीं है कल्चर को. एंड देर आर मोर डांसर्स लाइक मी बिहाइंड मी. सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग. सर ऐसा होता है कि हमारा एक क्रू है, कभी तो क्रू लोग के पास पैसा भी नहीं होता प्रैक्टिस जाने के लिए, पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं होता है. सो आई वांट टू स्टैंड अप फॉर दिस अंडरग्राउंड कल्चर, स्पेशली इन गोवा. ओके, थैंक यू. आप एक एनिमल एक्टिविस्ट ऑलरेडी हैं? जी सर. उसके बारे में बताइए और बताइए कि इस प्लेटफॉर्म से फिर आप कैसे उसको और बड़ा कर सकते हैं. सर दिस वॉज अबाउट 1.5 साल पहले जब मैंने एक छोटे से पपी को
रोड पे देखा, वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था. दैट्स वेयर माई गर्ल फ्रेंड वॉज ऑलरेडी इन लव विद पेट्स. शी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव वन बट वी नेवर वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि हम लोग बहुत बाहर जाते थे टू टीच वर्कशॉप्स. तो बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वी स्टॉप द बाइक, हम लोग उतरे, उसको हाथ में लिए एंड वो हिला भी नहीं, ही वॉज जस्ट देयर. हम लोग उसको स्टूडियो लेके गए एंड देन ही जस्ट स्टेड देयर विद अस. उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ दिस. फिर उसको छोड़ने का मन नहीं किया. उसके बाद आई हैव अडॉप्टेड अबाउट 5 डॉग्स जिनको मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ. आई हैव पुट देम बेल्ट. सो यू नो सर, इन बहुत बहुत ज्यादती हो रही है. हम लोग खा जाते हैं, पॉज काट देते हैं, उनको महीने भर बाहर लगा रहते हैं सर. दे डोंट टेक देम होम बिकॉज देयर हेयर इज देयर. तो पाला क्यों? हम इंसान हैं, हमारा दिमाग फास्ट है, उन लोग का भी है, बट वो लोग बोल नहीं पा रहे. आई वॉन्ट बिकम देयर वॉइस. एंड ऑल्सो 3.5 करोड़ जस्ट डॉग्स है सर, कैट्स का तो काउंट भी नहीं है. वी कैनॉट पुट देम ऑल इन टू अ शेल्टर फॉर श्योर. बट हर एक घंटे में 2-2 कुत्ते मरते हैं ऑन जस्ट हाईवेज, राइट? सो व्हाट आई थॉट वॉज, आई एम कमिंग अप विद अ प्रेजेंटेशन अभी. रिफ्लेक्टिव बैंड जैसे आते हैं सर, नियॉन, जो हम लोग गाड़ी पे लगाते हैं. मैंने प्रेजेंटेशन आधा बनाया है, बट आई डोंट नो कौन फंड करेगा इसको. मैं फंड करूंगा उसको. सर, आई लव यू. सेंड इट टू मी. यस सर, डेफिनेटली. व्हेन यू लीव फ्रॉम हियर, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आशु विल कम टू यू. आशु सुन रहा है तो मिल लेना. सॉर्टेड? यस सर, थैंक यू सर. और आगे बता. एक ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाना है सर. स्कूल्स पे जाओ, एम्पैथी, काइंडनेस, कंपैशन अगर हम लोग इंस्टिल कर पाए बच्चों के लेवल में सर, बहुत सारा प्यार फैलेगा. उसके बाद आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल रिड्यूस, दुनिया में अच्छाई ज्यादा आ जाएगी. दैट्स व्हाट आई फील सर. आप इधर आ जाइए, यू स्टे देयर, वी विल स्टार्ट विद यू. लीडर्स, आपके पास है 10 सेकंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू नीड 3 ऑफ दीस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखा, पहले प्यार देने वाले फुद्दू ही होते हैं. पहले प्यार देने वाले फुद्दू ही होते हैं. मेरा भगदा यार, माय लव, दिलिन ना है. आई कांट बिलीव. आई लव यू मैन. आई लव यू. विल मीट फॉर सम पर्पस. सी यू इन द कलिंग राउंड. AJ, okay. आप लोगों के पास 10 सेकंड है. Ready? Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2 lights. Going once, one, going two. Oh zero. My God. इससे पहले कि आगे जाए, रफ्तार आपने सिलेक्ट किया क्यों? मैंने like him as a character. Like, yeah. इसकी पर्सनैलिटी जो है, जैसे ये रहता है, he is okay with himself, he is happy with himself. That's very important. Yeah, he's अपने happy आप से कुछ करना बहुत जरूरी है. निखिल, क्या आपका माइंड चेंज हो सकता है? नहीं यार, मैं इसको वापस गोवा भेजना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम बैक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस साल यू हैव अ होप इन हेल, जेन्युइनली. एंड जैसे कि रफ्तार भाई ने कहा, यू आर अ ग्रेट कैरेक्टर एंड आई थिंक यू डू वेरी वेल ऑन रोडीज. इस साल तेरा नंबर नहीं आएगा. आई ऑल्सो थिंक अमर, आप अपने आप पे भी काम करके आ सकते हैं थोड़ा बहुत. वाई इज इट दैट शायद मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, शायद मैं ये नहीं हूँ, पर मैं डांस कर सकता हूँ. कम बैक नेक्स्ट ईयर, से मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग भी हूँ, मैं यू नो लाइक ऑल द चेक बॉक्सेस शुड बी फिल्ड इन. डेफिनेटली. ऑलराइट, थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू ऑल. किसी का मैसेज नहीं आया है. Let's move on to the next contestant. पुणे में आए कुछ और भी इंस्पायरिंग रोडीज जिन्होंने अपनी जगह बनाई कलिंग में. थैंक यू सर. वो कैरी फॉरवर्ड होगा. सो बेस्ट ऑफ लक. ये थे पूना के ऑडिशंस एंड दे वर अमेजिंग.
Let's move on to the next city, guys. रोडीज का कारवा पहुंचा अपने अगले पड़ाव चंडीगढ़ में। जहां रेवोल्यूशन की आवाज बनने आए हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, जो रोडीज का हिस्सा भी रह चुके हैं। कंट्री में बहुत से उंगली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद उसको साफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको वो करके देगा जिसमें आप देश के लिए कर सकते हैं। Really proud to flaunt our partners in change, Oppo. They've launched the F15. Flaunt it your way. We're going to take a rear camera picture with the Oppo F15. वहीं ओपो जम द क्यू विनर से मिले प्रिंस और उन्हें इंप्रेस करके कुछ कंटेस्टेंट्स ने पाया मौका खुद को 5 राउंड ग्रुप डिस्कशन में आजमाने का। और फाइनली कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट्स पहुंचे चंडीगढ़ के पर्सनल इंटरव्यू राउंड में। बैक वंस अगेन, अनदर डे, अनदर सिटी। This is Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Aloe Fruit Juice. We have the first two contestants. वेले सब पहले सबको नमस्ते। मेरा नाम प्रखर नारायण है, उम्र 24 साल, रहने वाला मैं लखनऊ का हूँ। एंड मैं एक डॉक्टर हूँ बाय द डे, अ मॉडल एंड एन एक्टर बाय द इवनिंग, एंड अ म्यूजिशियन बाय द नाइट। आई कैन प्ले पियानो, आई कैन प्ले ड्रम्स, कैओ, बोंगो, कॉन्गो, गिटार्स, बेस, एंड यू नो का शौक है मुझे म्यूजिक का। वाओ, अमेजिंग मैन। यू कंपोज योर ओन म्यूजिक? यस सर, आई डू, एंड आई ऑल्सो थोड़ा बहुत रैप लिखा है इस शो के लिए। लिखा है, सुना दो। ठीक है सर। तो सर, रेवोल्यूशन है थीम हमारी, एंड मेरे को रेवोल्यूशन यूथ में लाना है। तो थीम है इसकी, उठो चलो एंड करो। सो आया हूँ यहाँ पे, दिल जीत के ही जाऊँगा, देश में अपने रेवोल्यूशन लेकर आऊँगा, उठो चलो करो। रेप हो रही, ज़्यादा खो रही है मर्यादा, मांगता नहीं मैं ज़्यादा इनको रोकने का वादा। कैंडल मार्च से ऐसे हैवान नहीं डरते, हम चुप हैं इसलिए ऐसी हरकतें ये करते। उठो चलो करो, आवाज़ उठाओ। राजनीति का गेम है, खून सबका सेम है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख और ईसाई, अमर अकबर अंतनी, ये सब है अपने भाई। नफरतों को छोड़ना है, प्यार से सब कुछ जोड़ना है, अच्छाई की तरफ जाना है, एक बेहतर कल बनाना है, एक बेहतर कल बनाना है। वेरी नाइस, गुड थॉट मैन। थैंक यू सर। आप बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम हर्षित बल्ला है, मैं 24 साल का हूँ, मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सर, आप दोनों ने एक दूसरे का काफ़ी टाइम स्पेंड किया है होल्डिंग एरिया में? जी सर, बिल्कुल किया। एक दूसरे के बारे में अपनी राय बताइए। पहले आप डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, क्या राय है आपकी डॉक्टर साहब के बारे में? सर, मेरे को डॉक्टर नहीं लगा, कंपाउंडर लगा, सही बताऊँ तो। पता क्यों? और ये कहता है, मैं भाई सिंगिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन सर मेरे हिसाब से जो बंदा काम करे ना, चाहे एक काम कर ले, 25 ना करे, क्योंकि 25 यूजलेस है जब तुम उसमें तुम उस्ताद नहीं बनते। तो मुझे इसकी ये बात बड़ी वो लगी कि भाई एक काम कर ले, ढंग का कर ले। आप इनको डिस्क्राइब करो, क्या है आपका डिस्क्रिप्शन? सर, मेरे लिए तो अच्छा बंदा है, काफी मस्त मौला है। वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे बोलता है कि यार तू ऐसा बंदा है, तुझमें 10 बंदों के टैलेंट है तुझमें। सर, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, इसकी मैं टांग पे अभी मार दूँ डंडा, ये ना खड़ा नहीं होगा, रोता रोता कर जाएगा। और मेरी टांग पे ना मेरी टूटी हुई है सर, लेकिन मैं इतना जिगर रखता हूँ, तोड़ दो लेकिन जाऊँगा सर यहाँ से। ठीक है, ठीक है। आप कितने पुलअप्स करते हो आप? सर, जितने होंगे उतने कर दूंगा सर। इसको हरा सकते हो पुलअप्स में? हरा दूंगा सर। एक और चीज़ करते हो, चलो आप उस उधर जाके खड़े हो जाओ।
मैं सर हाँ आप इधर आगे खड़े हो जाओ Perfect. Ready? Yes, sir. Okay. आपके पीछे एक फेस मास्क है उसको पहन लीजिए बहुत सही है यार ओके ये फेस मास्क उतरना नहीं चाहिए बिना उतरे जिसने पहले दोनों कैंडल्स बुझा दी वो ये वाला टास्क जीत गया रेडी गो Very nice. Come on, Josh. Come on. Come on. Thighs में से हवा लेके जा. Thighs में से. Ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. ये देख, ये होती है जान. चल छोड़ दे यार. Okay. ठीक है. अब कितने पुलअप्स करोगे वो पीछे वाले पे चढ़ जाओ और पुलअप्स करो इस पे सर हाँ सर किधर फ्रंट साइड वहां से डू Can speak louder than words. हर्षित जब हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे जी सर तो आपने कहा कि ये डॉक्टर नहीं लगता है कंपाउंडर लगता है जी उसका मतलब क्या है सर मतलब डॉक्टर मतलब ऐसे नहीं होते सर डॉक्टर जानते मेरे को पता है और मोर ओवर इसकी एज में कोई डॉक्टर बनता नहीं है मेरे ख्याल से Yeah, you're right. डॉक्टर कैसे बनता है इंसान क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है सर MBA. MBA. You're right. डॉक्टर बनने के लिए MBA तो करना ही पड़ता है जनरल प्रैक्टिस ही इज अ GP. GP का फुल फॉर्म क्या होता है सर पता नहीं बट आपको ये पता है कि डॉक्टर कैसे दिखते हैं सुन MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है MBBS का सर मास्टर्स और बैचलर्स मास्टर बैचलर्स आर्थराइटिस नहीं MBBS ट्राई कर अभी आगे एक और बी और एस भी है सर सही बताऊं जिस गली में जाना नहीं उसका नाम क्या बोलूं सर ठीक है नहीं आपको MBA पता था आपने MBA बोला MBA का फुल फॉर्म बता दो सर मास्टर और बैचलर्स एंड आर्ट्स मास्टर और बैचलर्स मास्टर्स ऑफ बैचलर्स एंड आर्ट्स इट साउंड्स लाइक अ सॉन्ग
masters of bachelors and all. सर जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में कभी जाना भी नहीं. ये सीन है. हम लीडर्स इन दोनों में से किसका इंटरव्यू आगे लेके जाना है, डॉक्टर साहब का कि यस डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का. डॉक्टर साहब के लिए कौन कौन है? थैंक यू हर्षित, बेस्ट लक. सर कुछ बोलने से पहले तू गाना सुना दे सबसे पहले यार. यस सर. क्या गिटार यूज कर सकता हूँ? यस सर. इन्होंने मुझसे बोला कि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं करता हूँ सर, शायद से कहीं बहुत गिटार ऐसे भी जाते होंगे. अपने आप को किसी और ने क्या बोला उसके चक्कर में क्यों डाल रहा है, बस गाना गा. अच्छा है. थैंक यू सर. बहुत क्यूट है. थैंक यू सर. और जो तू बोल रहा था ना सर दर्द की बात शुरू में, तूने बोला था आधा सर दर्द चले जाएगा, पूरा चले गया. अरे मैम थैंक यू. लॉक टैग वेलकम टू रोडीज एवोल्यूशन. सी यू एट द करिंग राउंड. कांग्रेचुलेशन डूड. थैंक यू सर. गुड टू सी यू. ओके लेट मी सी कि ओप्पो F15 में किसी का मैसेज आया कि नहीं आया. देयर इज अ यस फ्रॉम प्रिंस. कांग्रेचुलेशंस प्रिंस, एक और सही प्रेडिक्शन. वेल डन कांग्रेस प्रिंस. प्रिंस एक सही प्रेडिक्शन, एक आपने सही तरीके से अपना यस इस्तेमाल कर लिया, एक और बचा है. इफ यू गेट अनदर वन यू विल गेट अनदर स्टार. मूविंग ऑन नेक्स्ट. हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड. आर यू नर्वस? लिटिल बिट. क्या कर सकते हैं हम पांचों आपको कंफर्टेबल करने के लिए? मैम ओके. दिस इज योर चांस. नो आई एम ओके. शुड निखिल टेल यू अ जोक? गो फॉर इट. हां चलो निखिल अ जोक. व्हाट डिड द फिश से व्हेन ही हिट्स अ वॉल? ओ फिश. डैम. सो नाइस. Wow, okay. Damn. Damn, yeah, got it. You're an athlete, na? Yes. Okay, तो आप अपने आप को introduce करो और please हमें जो आप sport खेलती हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताओ. Okay. तो मेरा नाम सहज है, मैं 22 साल की हूँ, पुणे में पली बड़ी हूँ. मैं international power lifter हूँ. So. रिसेंटली जून 2019 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ पावर लिफ्टिंग, दैट्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर द कंट्री. मैंने एक्चुअली आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद पावर लिफ्टिंग, बट साइड बाई साइड आई थॉट ऑफ
taking up weightlifting also because that's in the Olympics and powerlifting was not. So, do you guys know the difference between weightlifting and powerlifting by any chance? We will now in the next 1 minute. Okay. So, powerlifting mein teen lifts hote hai. It's the deadlift, the bench press and the back squat. And the difference of that, weightlifting has two completely different lifts. That's the clean and jerk and a snatch. Yeah. Yes. Sahaj, how, matlab, kab decide kiya aapne ki powerlifting start karna? Actually, mere coach ne mere liye decide kiya ki tu kar. He almost like forced me. Like, no, I see potential in you, you do it. And I was against it. Not against it, but I thought it's a... Yeah, I thought it was a crazy idea. I'm glad tumne unki baat mani. Thank you. So, Sahaj, aap kitna snatch karti ho? So, maine weightlifting bas ek hafte pehle hi start kiya. Achha, theek hai, theek so, hai. Just learning. मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को ये दिखाओ कि जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पे थे उस दिन की सीरियसनेस उस दिन का फोकस आई वांट टू सी दैट परफॉर्मेंस दैट फोकस एंड दोस थ्री लिफ्ट्स या यू गॉट इट लेट्स सी हम तो देख नहीं पाए थे पहले आज एटलीस्ट वी विल गेट एन आइडिया या ऑफ कोर्स एंड फ्रॉम इंडिया And the 43 kg weight carrier, Sahaj Mayane. And there's a clock that's counting down now. Thank you. That is a... That is a deadlift. That's a deadlift. Okay. Second? Yeah. The second is a back squat. Okay. So you'll have to take it like, right. Well, yeah, it's light. It's a light. Lightweight. Light enough? Kind of. No, I won't be able to clean it. Very good. Okay, how many those back squats can you do with this weight? Squats? Huh. More than 100. आप 30 पे हो जाओगे यार मैं तो ऑलरेडी ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं तो ऑलरेडी इंप्रेस्ड हूं दैट वाज माय गोल दो चलो चलो नाउ बेटा फोकस शुड आई गो फॉर इट गो फॉर इट या 1 2 3 4 5 7 प्रॉपर हो रहे हैं प्रॉपर 6 यही तो मैं बोल रही थी उस दिन वो लड़की नहीं कर रही थी ये होता है प्रॉपर स्क्वाट 20 21 24 25 28 come on 29 30 may I impress come on please on Five at a time. 31. 32. 2. 33. 3. 34. 4. 35. Breathe. Come on. Go on. Let's go for it. 36. 1. 32. Come on. 45. 3. Five more. Breathe. Hold on. 3 more. Come on. You got this. Five more. Four more. One. Two. 48. Three. Two more. 49. Four. Last. Come on. 50. Amazing. I can see totally. Wow. I can see why your coach believed in you. Thank you. उन्होंने कैसे कन्विंस किया आपको? He didn't need much convincing. I knew I had a crush on him. What?
ये प्यार की ताकत है. You had a crush on him, does he know that? We dated for 2 years. What the hell? It's a great way to get fit. Fall in love with your coach and start dating him. Basically, आपने powerlifting इसलिए सीखी because you had a crush on him. Yeah. Wow. You didn't want to. Not that I didn't want to. So I was into fitness. I was a national swimmer back in school. And I was doing general CrossFit. He was a trainer at the gym. फिर उन्होंने मेरे को क्लास में रोज देखा और पोटेंशियल उनको दिख गया और बोला कि तू स्पोर्ट ले ले, टेक इट अप सीरियसली, मैं तुझे ट्रेन कर दूंगा. मैंने पहले तो बोला बहुत क्रेजी आइडिया है, मुझे नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने कन्विंस कर लिया. सो आई वेंट फॉर इट एंड इनिशियली उन्होंने बोला चल डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्राई करते हैं. 2 महीना ट्रेनिंग किया, डिस्ट्रिक्ट गोल, स्टेट गोल, वन नेशनल, अनदर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, kept playing, world championship हो गया. Wow, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हर किसी से हो जाता है. It's a big deal. I mean, it's the world championships. It's a really big deal. I mean, to have a world champion with us right now is a really big deal. Sej, तो ये बताओ जो आपके boyfriend थे अभी भी coach हैं? नहीं, हमारा actually Feb में breakup हो गया था. वो पूरा महीना मैंने एट नॉट वर्कड आउट और मार्च में मुझे फेडरेशन से लेटर आ गया दैट आई बीन सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप. जब आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप का लेटर, ही बैकड आउट, लाइक डिडंट बैक आउट बट ही जस्ट सेड आई एम सॉरी आई कांट डू इट. तो फिर मैं नहीं जाने वाली थी बट देन समहाउ ऑल माई फ्रेंड्स फैमिली बहुत ज़्यादा पुश दिया उन्होंने तो मैं चली गई, अकेले गई मैं. विदाउट अ कोच? जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के गए, यू वर अलोन, यू डिडंट हैव अ टीम, कोच, नथिंग? वो थे एक्चुअली बट ही हैड कम विद हिज अदर क्लाइंट. हु? माय कोच. वर यू इन टॉकिंग? दिस साउंड्स लाइक अ मूवी. दिस इज अ मूवी क्लाइमैक्स. इट्स अ मूवी, इट्स अ क्लाइमैक्स. एंड देन शी लुक्स एट हिम एंड शी डज गेट्स अ मेडल. नहीं नहीं, व्हाट? कैन एंड गेट आउट ऑफ हियर. जीती है एंड फायरवर्क्स. दिस इज अ मेडल एंड लीव. और जो उनके साथ आई थी उनका क्या हुआ? वो जीते? नहीं, तो विलेन है, वो तो हार गई, उसी को हारा है इनमें. We were just 5 Indian athletes who went. I was the only one who came back with a medal. Yeah. I want to say something terrible. What? आज तक तो कभी रुकी नहीं. अब क्यों रुक रही है? You know, as women, we have the power to spin it around in our favor. But हमें वो ताकत और क्षमता है. You know, एक skill होता है to manipulate men with love. You could have done that, right? ये पिछले 4 साल की story बता रही है. Yeah. But I just want to say it. I'm saying bronze is amazing. You would have manipulated him to coach you. Right. What are you saying? And what are you saying? Why don't you just say it now? If you're so Neha Dhupia, just say it, na. I think you could have like charmed him. And used him. And used him for his skill. For his skill and your and goal. And getting the goal. Yes, I want you to say that. Wow, yeah, wow. I just wanted to say it because if I were you, so I did. I would. Wait. Let her finish. Sorry, if she was you. नहीं ये तू अभी भी करती है ये. कोई टेंशन मत ले. If I were you, I would spin it around in my favor. कि अपना काम तो निकाल लो. अंगद मेरे भाई, अंगद, I'm sorry brother, and sorry for your pain. और आज वो 4 साल से लोग समझे होंगे जो मैं बोलता था. हेलो, तू तगड़े रहना, घबराई ना, तेरा भरा तेरे नाल है. You know what I'm saying? Actually, उनको दिखाना था कि I can do this even without you. वेरी गुड. नो आई एम सेइंग, मैं तो अब सब कर रही हूँ, मैं तो आपके लिए ताली भी बजा रही हूँ, मैं आप बोल रही हूँ कि ब्रॉन्ज इज अमेजिंग, बट आई एम सेइंग कि अगर आप जर्नी तक पहुँच गए, ये स्किल सेट, ये हुनर मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूंगी. लेट्स गेट हिम टू डू सम स्टफ. पहले घंटी बजा दें शुरू. हाँ, यू वांट टू गो रिंग दैट बेल? आई कैन टीच यू द टेक्निक टू क्लाइम द रोप. ओके, डू इट. लास्ट थिंग दैट शी डज. ओके, so you put the rope, like you use it as a ladder. Okay. So first you jump as high as you can, and you put it around here, and you get your other leg, and cross it over, and use it as a ladder. Huh. Yeah. अच्छा, she's doing it अगर knots नहीं होते तो. हाँ.
That's amazing, yaar. यहाँ पर लोग लेकिन भाई आप बोल सकते हो कि छह बार जाओ पर क्यों नहीं पहुंच पाए. ओके गाइस, बहुत मजे हो गए, बहुत बातें हो गई. अब टाइम आ गया डिसीजन का. लीडर्स, आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You needed 3, you got 3. But I always wanted Nikhil sir. That one means a lot to me. नहीं, ऐसा ना हो कि कोई और वो सुनकर वापस. नहीं नहीं. हो गया? आपको 3 मिल गए थे. अब आप निखिल सर को मनाओ. मैं बस उनको कन्विंस कर रही थी. पर आपको जरूरत ही नहीं थी. नहीं. देखो इस बार अच्छा है कि गैंग्स नहीं है. नो अगर होते तो मैं आपको डेफिनेटली नहीं लेता क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग है. और आपने यहाँ पर लिखा है कि आपका फेवरेट गैंगस्टर जो है वो है निखिल सर और आप अभी निखिल सर को कन्विंस कर रही हैं. बाय चांस अगर इनको हम लेते और ये हमारी टीम में आती तो आप हमारे लिए खेलते ही नहीं. ऐसे नहीं है. नहीं, गेम खेलने आई हूं तो दैट आई वुड डेफिनेटली प्ले. मेरे से तो लाइट नहीं आएगा. ठीक है. मैंने एक वजह के लिए लाइट नहीं जलाया क्योंकि आई बिलीव देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड आई डोंट वांट यू टू टेक इट इजी. तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल आप भूल ही जाओ. आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द जर्नी बट आई विल नॉट बी द वन टू सेंड यू देयर. अभी तो सिखाया था आपको. I'm a bad charmer. I just can't. You're very charming, but he's saying, nah, make a deal. Right now, you need him more than he needs you. Make a deal with him. Ki journey pe you owe him one. At whatever time, he can use this trump anytime he wants. Do you want to go to the journey? Yes, of this course. This is your only chance. He's convinced. He was just not okay with what you said right at the end. Right, अगर आप ये कह रहे हैं कि is he convinced with you coming on the journey, मेरे हिसाब से हाँ, उन्होंने वो जवाब दिया था by turning the light on. अगर आपको करना है, make a deal with the devil. अगर आप अभी किसी के साथ deal बनाते हो, 99% of the time it'll hurt you on the journey. और पूरे टाइम वो एक खतरे की तलवार लटकी रहती है, लटकी रहती है. Sir, मैं आपको अभी ओ करती हूँ. आप journey पे जो भी मांग लो. Oh, are you sure? Are you sure you want to make that deal? देख ले पिछले साल भी किसी ने आके बोला था, मैंने तो temporary promise किया. नहीं नहीं temporary नहीं है. Are you sure? Yes sir. पक्का? जो मांगोगे. Thank you so much. Then you owe me one. All right. Thank you so much. Welcome to Rodi's Revolution. You go to the next round, which is the culling round. I'll see you in the culling round, okay? Thank you sir. Bye. See you. All right, it's time to check my Oppo F15 क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है. I have a feeling. नेहा ने एक मैसेज किया है जिसमें अपनी सेल्फी भेजी है. Please zoom in. And she had sent a Y. Congratulations, सही prediction. Thank you. एक और prediction सही हो गई आपकी. Well done. Congratulations. और I think निखिल जान चुके थे कि आपने already Y भेज दिया, इसीलिए उन्होंने कहा too late with exclamation mark because he knew. All right, next.